हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को कान्हा जी के छठी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की छठी के दिन सुनी जाने वाली कहानियां सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं कान्हा जी की छठी की कहानी। बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। बात कान्हा जन्म के समय की है। कान्हा जी के जन्म के बाद नंदगांव में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। हालांकि कृष्ण जन्म का छठा दिन था, लेकिन फिर भी नंदगांव में चारों ओर बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। बड़े ही सुंदर और मनोरम दृश्य थे। चारों ओर फूलों की सजावट थी, संगीत बज रहे थे। पिछले 5 दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। लेकिन छठे दिन जैसे नंदगांव की खुशियों को कोई नजर लगा गया हो। छठे दिन सुबह से ही कान्हा जोर जोर से रोए जा रहे थे। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने, एक एक करके सबने प्रयास करके देख लिया कान्हा को चुप कराने के लिए, लेकिन कान्हा थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब किसी ने कहा, लगता है लल्ला को नजर लग गई है, लल्ला की नजर उतारो। नजर उतारी गई, लेकिन परिणाम जस का तस, कुछ भी नहीं बदला। फिर कोई बोला, लगता है कान्हा को भूख लगी है, लेकिन कान्हा जी भी कान्हा जी हैं, ना दूध पिए ना चुप होए, बस रोए ही रोए जा रहे थे। अब तो सारे देवी देवताओं को भी चिंता होने लगी। सारे देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी समस्या बताई और समाधान करने की विनती की। ब्रह्मा जी कान्हा जी की लीला को कुछ समझ गए थे, सो उन्होंने भगवती महामाया को कान्हा जी को चुप कराने के लिए भेजा। प्रभु के इस कार्य को करने के लिए भगवती महामाया नंदगांव में प्रकट हो गई, लेकिन सिवाय कान्हा जी के वह किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। कान्हा जी को चुप कराने के लिए भगवती महामाया रूप बदल बदल कर कान्हा जी को खिलाने लगी। कभी तितली बनकर इधर उड़ जाती, कभी चिड़िया बनकर उधर उड़ जाती, इधर से उधर उड़ती फिर रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। और यह सब देखकर कान्हा जी रोना भूल गए। वे कभी इधर देखते, कभी उधर देखते और कभी मुस्कुराने लगते, कभी खुद ही अपने आप से खेलने लगते। जब सबने देखा कि कान्हा जी चुप हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तब यशोदा मैया ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और आंचल में छुपा लिया, कहीं ऐसा ना हो हंसते खेलते कान्हा जी को किसी की नजर लग जाए। अब कान्हा जी भगवती महामाया को नहीं देख पा रहे थे और यह सब देखकर महामाया जी बहुत उदास हो गई। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी उनकी मनोदशा समझ गए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ देवी, आप बड़े उदास लग रही हैं, जबकि आपने अपना कार्य जो आपको दिया गया था वह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कान्हा जी चुप हो गए हैं, प्रभु की रुदन लीला अब समाप्त हो गई है। तब देवी महामाया ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं जानती हूँ मेरा कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, लेकिन मुझे तो प्रभु के साथ खेलने में बड़ा आनंद आ रहा था, वह आनंद अब मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, बस यही सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवी आप उदास ना हो, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से आपकी पूजा छठी मैया के रूप में घर घर में की जाएगी। हर बच्चे के जन्म से छठी दिन तक आप हर बच्चे के साथ आनंद पाओगी। 6 दिन तक हर बच्चा आपके साथ खेलेगा और आपको देखकर मुस्कुराएगा। इतना सुनकर देवी महामाया फिर से प्रसन्न हो गई। बस उसी दिन से हर बच्चे का छठी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। चलिए अब सुनते हैं कान्हा जी की छठी की दूसरी लीला। जब से कान्हा जी गोकुल में प्रकट हुए हैं, ब्रज के घर घर में आनंद सा छा गया है। गोपियों को तो कोई बंधन नहीं है, वे तो सूतिका गृह में जा जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। किंतु बेचारे गोप दर्शनों के लिए तरस रहे हैं, सूतिका गृह में वे जा नहीं सकते, इसीलिए अपने अपने घरों में उदास बैठे हैं। गोपियां अपने घरों में जाकर लाला के रूप और माधुर्य का वर्णन करती हुई है, कहती हैं कि नंद बाबा के लाला के अंग इतने सुंदर हैं मानो नील कांति मणि के अंकुर हो, इतने कोमल हैं मानो तमाल के नवपल्लव हो, इतने चिकने हैं मानो वर्षा ऋतु में खिले नवीन कमल हो, और इतने सुगंधित हैं मानो लक्ष्मी के माथे पर लगा कस्तूरी तिलक हो, इतने आकर्षणशील हैं मानो सौभाग्य लक्ष्मी के नेत्रों में लगा कजरारा अंजन हो।
गोपियों की ये बातें उन्हें ऐसे लगती हैं जैसे कि वे अग्नि में घी डालकर उसे और भड़का रही हों। ऐसे अद्भुत और विलक्षण नंद बाबा के लाला के बारे में सुनकर ब्रज के सभी गोपी उन्हें देखने के लिए और भी लालायित हो जाते हैं। लाला के जन्म की छठी के दिन नंद बाबा और नंद रानी अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में षष्ठी पूजा के लिए आ जाते हैं। लाला को नहलाते हैं और फिर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। गोबर से षष्ठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाते हैं। सफेद चावलों की वेदी पर षष्ठी देवी को विराजमान कर पास ही में कलश स्थापित किया। षष्ठी देवी का षोडशोपचार से पूजन किया और उनको भांति भांति के व्यंजनों का भोग लगाया और उनसे प्रार्थना की। कुल की प्रथा के अनुसार मैया यशोदा जी ने अपने पुत्र की छठी पूजी पीले थापे लगाए। सब गोप पालिकाओं ने सोने के थाल भर भर कर लाला को उपहार में दिए और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर मंगल गीत गाने लगी। षष्ठी पूजन के दिन सभी गोपों की श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ रहा था, किंतु नंदलाला के छठी उत्सव में नंद बाबा ने कंद कंस के राक्षसों के भय से केवल अपने बंधु बांधवों को बुलाया था, परंतु आज तो गोपों के हृदय में उमड़ता हुआ तूफान किसी के रोके से रुकने वाला नहीं था। उनमें से किसी को भी निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए छठी के दिन दूर दूर से गांवों के गोप गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठे हो गए। यशोदा मैया छठी पूजकर अभी चौकी से उठ भी नहीं पाई थी कि कान्हा जी की छठी पूजने वालों का तांता सा लग गया। जैसे किसी सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल जाए जो रस से भरा हो, उस कमल को देखने के लिए मधु के लोभी भवरे बिना बुलाए ही चारों तरफ से आ जाते हैं, उसी तरह से नंद बाबा के घर रूपी सरोवर में अनुपम माधुर्य और सौरभ से युक्त जो नील कमल यानी श्री कृष्ण खिले थे, उसके मधुर रस को पीने के लिए ब्रजवासी भवरे के रूप में चारों तरफ से उमड़ पड़े। नंद बाबा के मणिमय आंगन में स्तंभ के सहारे उपनंदन जी की पत्नी रोहिणी जी और घूंघट निकाले व्रजनारी यशोदा गोद में श्री कृष्ण को लिए बैठी हैं और पास ही में बैठी हैं सुंदर सजी अनगिनत गोपियां जो बधाई के मंगल गीत गा रही हैं। गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला के दर्शन कर रही है, किंतु जिसकी दृष्टि उस सलोने चितचोर पर पड़ी वह तो वही अटक गया, मानो किसी चोर ने उसकी सुधबुद्ध चुरा ली हो। आंखें उस नीलमणि के रूप से हटे तब जाकर तो शरीर आगे बढ़े, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। सब अपने हृदय में बार बार अपने मुख को घुमाकर उन नील कमल के रूप माधुर्य रूपी रस को पी लेना चाहते थे। पीछे से कोई पूछता कि नंद बाबा का लाला कैसा है, पर मुख से उत्तर ना निकलता, वाणी मूक हो जाती, कंठ भर भर कर आता, आंखें डबडबा जाती। उस सौंदर्य का कोई पूरा वर्णन कर सके ऐसा तो कोई जगत में आज तक हुआ ही नहीं। नंद बाबा ने गोपों के दिए उपहारों को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे उन उपहारों को लाला पर ब्रजवासियों के आशीर्वाद के रूप में देख रहे थे। सबसे कह रहे थे कि तुम्हारे आशीर्वाद से ही मेरा लाला फलेगा फूलेगा। शाम के समय पूर्णिमा मौसी अपने पुत्र मधुमंगल के साथ नंद नंदन को आशीर्वाद देने आई। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा मौसी भगवान की योग माया शक्ति है। नंद रानी ने आशीर्वाद लेने के लिए नीलमणि श्री कृष्ण को उठाकर पूर्णिमा मौसी के चरणों पर रख दिया। तब मधुमंगल ने यशोदा जी से कहा, मैया तनिक नजर उठा के ऊपर देखो क्या तमाशा हो रहा है। हंस बैल गरुड़ मोर हाथी और रथ पर सवार होकर कौन कौन आया है। किसी के चार मुख हैं, किसी के पांच हैं और किसी के छह हैं। कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है तो कोई सफेद है, कोई भस्मी रमाई है तो कोई चार हाथ वाला है, कोई छह हाथ वाला है। मधुमंगल की बातें सुनकर तो नंद रानी भयभीत हो गई कि कहीं कोई राक्षस लाला को हानि पहुंचाने तो नहीं आ गया। तब पूर्णिमा मासी ने सबको समझाया कि आकाश में देवतागण लाला का छठी उत्सव देखने आए हैं और आकाश से नंद नंदन पर पुष्प बरसा रहे हैं। पूर्णिमा मासी की बातें सुनकर नंद नानी का भय शांत हो गया। उन्होंने सभी देवगणों को नजरें झुकाकर प्रणाम किया। इस तरह से हर्ष उल्लास से आनंददायी नंद लाला का छठी महोत्सव संपन्न हुआ।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।